नहीं डलेगा भाई, ये नहीं डलेगा। जस्ट ब्लॉगिंग प्रैक्टिस हो रही है। हेलो हेलो, रस्सी चलो, रस्सी चलो, रस्सी चलो। हाथ पकड़ो यार। कॉलेज लाइफ में हम सबका ही सपना होता है अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप करने का। मेरा भी था, और प्लेसमेंट होने के बाद मेरे कुछ बैचमेट्स गोवा जा रहे थे, और उनमें मेरा एक दोस्त भी था, और उसने मुझसे पूछा, हरमन भाई चलना है? चलते हैं। When I was 16, my father said you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I lived, not the money I made. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. काफी कुछ नया था इस ट्रिप में मेरे लिए, नए लोग थे, नई जगह जा रहा था। और हाँ, इस ट्रिप से पहले मैं कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठा था, ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और ट्रिप के लिए मैं काफी ज्यादा नर्वस था। लेकिन मैंने यही सोचा कि नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, वीडियोस भी बन जाएगी, चलते हैं। और उसके बाद जो हुआ वो तुम खुद ही देख लो। हमारी फ्लाइट थी दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा की अराउंड 8 बजे की। मैं काफी पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया और फिर अपने दोस्तों से मिला, और मैं टाइमली अपनी फ्लाइट में पहुंच गया था। भाई अभी अपनी फ्लाइट है 7:45 की, और हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, 15 में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, और चलो चलते हैं। वैसे अभी हमें यार मुंबई एयरपोर्ट में, और अब मैं साथ में लेके आया हूँ समोसा खाने के लिए। ओरियो का पैकेट यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है 120 रुपये का, जो ये 30 रुपये का आता है, ठीक है। और जो हमारी फ्लाइट थी वो डायरेक्टली गोवा की नहीं थी, बीच में एक लेओवर था मुंबई में, तो एक घंटा मैं मुंबई में भी रुका था। मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट ली और फिर हम पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन गोवा। तो अभी यार रात के कुछ 1 बज रहे हैं और हम गोवा पहुंच चुके हैं। वेरी वेरी एक्साइटेड, लेकिन थक भी बहुत ज़्यादा गया हूँ। दो फ्लाइट्स थी, एक लेओवर था बीच में मुंबई में, वो जो मैंने तुम्हें ब्लॉग में दिखाई दिया है। अभी तो बहुत थक गया हूँ, तो जाता हूँ अपने हॉस्टल जहाँ पे भी है हमारा रूम, वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, और कल से अपना व्लॉगिंग जो है फॉलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो मिलते हैं आगे, ठीक है। बट यार अब गोवा आए हैं तो रेस्ट करके क्या मिल जाएगा। हम सब ने प्लान बनाया कि चलो चलते हैं अभी बीच पे चलते हैं किसी, क्योंकि हमारे थोड़े और फ्रेंड्स भी आ गए थे। फ्लाइट उनकी 1 घंटे बाद की थी, हमने उनका वेट किया, वो आए और हम सब निकल लिए एक बीच पे। हाँ यार, तो अभी हम आ चुके हैं गोवा में, अभी रात के बज रहे हैं 3। ये बीच का नाम क्या है? क्या बैगोला? बैगोलम साउथ गोवा में है। इस वक्त हम एक बीच में, जिसका नाम मुझे लेना नहीं आ रहा है, बैगोला पता नहीं कौन सा बीच है यार बाकी, लेकिन मजा फुल आ रहा है यार। यहाँ सुबह का इंतजार ही नहीं किया इन लोगों ने, और यहाँ कैसल बन रहे हैं। वो मिट्टी ढो रहा है भाई हमारा। नहीं डलेगा भाई, ये नहीं डलेगा। जस्ट ब्लॉगिंग प्रैक्टिस हो रही है। ऑब्वियसली हम पूरी रात सोए नहीं थे क्योंकि हम बीच पे थे, और सुबह होते होते बाकी लोग भी आ गए थे जो ट्रिप का पार्ट थे। हमने वहाँ पे रूम्स बुक नहीं कराए थे, हमने वहाँ पे हॉस्टल बुक कराया था, डॉर्म बुक कराया था, जो मैं तुम्हें आगे टूर दे दूंगा। हम गए, हम सो गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे सब के सब। फिर हम उठे, शाम हो रही थी, सनसेट का टाइम हो रहा था, हम सब ने प्लान बनाया अब बीच जाना बेस्ट रहेगा। और मैंने कभी भी बीच नहीं देखा था, एक्चुअल वाला बीच मैंने उस दिन विजिट किया है। हम गए वैगेटर बीच, और जो एक्सपीरियंस था ना वो मैं बता नहीं सकता, इतना मज़ा आया, इतना पीसफुल, वहाँ की जो वाइब थी वो अलग ही थी। How's the Josh? So far so good. तो यार अभी हमें वैगेटर बीच में, और मैं कल रात को भी आया था, लेकिन ये वाइब अलग है यार, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, अलग एक्सपीरियंस है यार, अलग। अभी हम जा रहे हैं अंदर पानी के। So good. Go!
बीच सीन्स काफ़ी बढ़िया थे और अब हम जा रहे हैं यार डिनर करने, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, फिर उसके बाद हम जाने वाले हैं क्लबिंग, ठीक है तो चलो चलो है। तो अब लेते हैं थार के मज़े। तो गोवा में तुम्हें अराउंड 2,500 रुपये में एक दिन की थार रेंट हो जाएगी तुम्हें, ठीक है। अब अगर तुम एक थार के अंदर 5 बंदे भी होते हो तो पर डे 500 रुपीज़, थोड़ा बहुत इसके अंदर डीजल या पेट्रोल आता है, बाकी तुम खुद डलवा सकते हो और एंजॉय कर सकते हो गोवा में, जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ घूम सकते हो। चलो हेलो गाइस, दिस इज डे 2 और अभी हमें कैलिनग्यूट बीच में और करते हैं मजे करते हैं बीच में। वैसे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मैं कल नहाया नहीं था, आज मैं पक्का यहाँ पे नहाने वाला हूँ, पानी में डुबकी मारेंगे, फोन वगैरह साइड में रख दूंगा मैं। सब लोग अंदर हैं तुम देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं लोग, काफ़ी ज़्यादा। मैं भी अपने कपड़े अपने उतारता हूँ और चलते हैं अंदर, आ जाओ। ठीक है गाइस, तो अब हम जा रहे हैं डुबकी मारने, उतारते हैं अपने कपड़े और चलते हैं आपको भी लेके। यार अगर तुम गोवा जा रहे हो और तुमने वाटर स्पोर्ट्स ही ट्राई नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। तो ऑब्वियसली वाटर स्पोर्ट्स तो ट्राई करना ही था और वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था कि मैं जाऊँ पूरा एक्सपीरियंस लेके आ जाऊँ, फ़ोन ना लेके जाऊँ, कुछ भी रिकॉर्ड ना हो, लेकिन वो मुझे सही नहीं लगा क्योंकि ऑब्वियसली व्लॉग भी बनाना था। तो मैं गया दूसरे ऑप्शन की तरफ, मैं अपना फ़ोन लेके साथ में गया, लेकिन मुझे सबने बहुत ज़्यादा डरा दिया क्योंकि वो पानी के अंदर तुम्हें गिरा देते हैं लिटरली। सबसे ज़्यादा डर मुझे तब लगा जब वाटर स्पोर्ट्स वाले भैया ने बोला कि अपने रिस्क पे फ़ोन लेके जाना, हमारी कोई गारंटी नहीं है। बट मैंने खुद को थोड़ा पॉजिटिव रखा और फ़ोन लेके चले गया और सारा का सारा एक्सपीरियंस अच्छे से रिकॉर्ड करके आया। चलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए और देखना तुम, यही फोन में लेके जा रहा हूँ साथ में, लेट्स गो। हेलो सुनो, उधर पानी में गिराएगा मैं, ठीक है, मैं रस्सी छोड़ने को लेगा, रस्सी छोड़ देने का, ठीक है। हेलो हेलो, रस्सी छोड़ो, रस्सी छोड़ो, रस्सी छोड़ो। हाथ पकड़ो यार, यार मेरा ना दूसरा हाथ फोन पे है। हाँ, I did it। आ जाओ भाई, वाह, ये देखिए अभी समुद्र में कर रहे हैं। अरे नाक में पानी चले गया। चल भाई, ओ भाई साहब, रिकॉर्डिंग इज स्टिल ऑन यार। भाई आई रिस्क माय फोन यार, बट हो गया। राउंड 2, लेट्स डू इट। भाई मैं फोन लेके गया था, आई डोंट नो, बस सही है। हाँ पूरा ओके, ये It was at this moment that he knew he fucked up. Pura record hua hai, pura. Kaisa tha experience? Nice, refreshing. Pehli baar swim kiya. Oh, nice. Matlab swimming to aata nahi, bas float kar raha tha. Swimming nahi aata? Nahi mujhe bhi nahi aata. Aur abhi hum chill kar rahe hain. Kuch order kiya hai humne, uska wait kar rahe hain. तो काफ़ी अच्छा था यार अपना सेकंड दिन भी, और आज तो जैसे कि तुमने व्लॉग में देखा मैंने वाटर स्पोर्ट्स ट्राई किया और बीच पे मस्ती करी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बढ़िया था, और एक रेस्टोरेंट से खाना वगैरह भी खाया जो काफ़ी पसंद आया मुझे। और अब जा रहे हैं हम वापस अपने रूम में। कुछ बोलोगे शौर्य भाई? हमें तो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है।
थैंक यू यार, अभी इस ट्रिप से पहले ही लिया है। चिल करो, दो मिनट चिल करो। न्यूट्रन करनी पड़ेगी गाड़ी। अरे नहीं, क्यों? नहीं पड़ेगी। देख रहा है, ये बरगद का पेड़ है, भूत होता है।